welcome back to a new video. This is Dhruv and you are watching dhruvgargarts. So aaj ki video mein banane ja raha hai mother teresa ka sketch. So iske liye main use karne ja raha hu apsara ki hb and 2b pencils jo main hb pencil mein outline ke liye mission kar use karta hu aur art line ki 4b and 6b pencils. To main sirf ye 4 pencils ka use karunga. Main ek artistic approach se banana cha raha hu. Isme mera koi realism koi mera isme goal nahi rahega. So let's see how this goes. So let's get started. सो गाइज हर बार की तरह मैं आइज से स्टार्ट करूँगा तो मैं इसके लिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको वीडियो क्लियरली दिखे. सो मैंने ये अप्सरा की ले ली है पेंसिल 8B पेंसिल. सो मैं आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बोलना भूल गया था कि मैंने 8B पेंसिल भी यूज़ की है आइज़ में स्पेशली या जहाँ ज़्यादा डार्क एरियाज़ है. सो इसको मैं रेफरेंस पिक्चर को देख के क्लियरली हम इसमें शेडिंग करते रहेंगे डार्क डार्क. तो मैंने ऑलमोस्ट दोनों आइज़ में शेडिंग कर दी है एंड हाइलाइट्स के लिए मैंने पहले स्पेस छोड़ी है ताकि बाद में हमें इसे किसी जेल पेन या इरेजर से हाईलाइट ना देना पड़े. सो अभी मैं इसके जहाँ और हमें थोड़ा डार्क शेडो पोर्शन दिख रहा है उधर अभी मैं शेडिंग कर रहा हूँ. गाइस मैं अभी आइज़ में ऊपर शेडिंग कर रहा हूँ. इसके बाद में नीचे रिंकल्स हैं उसको भी मैं कवर कर लूँगा. सो ये मैं हाईलाइट छोड़ के मैं हल्के हल्के शेडिंग कर रहा हूँ लाइट पेंसिल से. ऑलमोस्ट हमारी दोनों आइज कंप्लीट हो गई हैं. सो इसके लिए अब हम हेड का पोर्शन जो है हम शेड करेंगे. हेड का भी एरिया हो गया है. सो अभी हम चीक्स करेंगे. सो इसमें मैं हल्के हल्के हाथ से हम इसमें मैं स्ट्रोक्स दे रहा हूँ. सो इसको आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. इसमें मिस्टेक हो जाती है इसलिए आपको टाइम देके धीरे धीरे पेशेंस से स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे.
शेडिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो इसके लिए भी मैं रेफरेंस इमेज को देख के मैं स्ट्रोक्स लगाऊंगा हल्के हल्के हाथ से, और इससे हमारी ईजिली नोज़ कम्प्लीट हो जाएगी। हाईलाइट के लिए मैं पहले जैसे मैंने कहा मैं स्पेस छोड़ दूंगा, सो ये ऑलमोस्ट हमारी नोज़ भी कम्प्लीट होने वाली है। गाइज अभी मैं लिप्स का पोर्शन करूँगा। सो इसके लिए मैं टीथ बनाने के लिए भी हमें सिर्फ हल्के हल्के टीथ के लिए हमें हाईलाइट्स के लिए छोड़ने हैं, बाकी हमें पूरा पोर्शन डार्क कर देना है। तो इससे हमारे जो हैं टीथ्स हमारे उभर के आ जाएंगे। फाइनली हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, तो ये कुछ ऐसी दिख रही है। इसमें मैंने देखो कोई भी ब्लेंडिंग नहीं की है, सिर्फ मैंने स्ट्रोक्स लगाए। अगर आपको वीडियो में दिख रही है तो अगर आपको ये वीडियो और ये ड्राइंग पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे वीडियोज़ मिलती रहे। सो गाइस प्लीज़ जल्दी से मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दीजिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।